तो ये देखिए फ्रेंड, हमने 4:30 बजे दरवाजा अपना खोल दिया। तो पहले सबसे पहले मेन गेट में झाड़ू लगा देती हूँ थोड़ा सा आगे तक गली तक। उसके बाद अपना जो मेन दरवाजा का चौखट होता है ना, उसे मैं धो देती हूँ। तो सुबह हमें रूटीन का काम रोज का यही है, दरवाजा खोलना से एक तो अच्छा भी होता है, फ्रेश ग्ले, इतनी अच्छी अच्छी हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो सुबह सुबह उठना ही चाहिए, शरीर के लिए काफी अच्छा होता है, अपनी बॉडी के लिए। तो बस यही हमने इतना आगे थोड़ा सा धो देती हूँ। हमेशा हमारा रोज रोजाना का काम है, हमारा रूटीन में ही फिक्स है। हाँ, लेकिन कभी बाई चांस हो जाता, कभी तबीयत ना ठीक हो जाए, जो भी, लेकिन फिलहाल तो रोज हमारा यही काम है रोज। तो ये देखिए, पहला जो आने जाने का मेन दरवाजा, वो वहां तक मैं साफ कर देती हूँ। ऐसे तो कभी अंदर तक भी देखिए। तो उसके बाद में मतलब झाला झाड़ने लगी थी, सब जगह झोल हो गया था, बताया। बस पहले जो आंगन का, मतलब इसको सारा बोलते हैं, तो यहाँ का पूरा हम झाड़ा झाड़ के फिर अंदर रूम, मतलब कभी ये रूम में, फिर दूसरे रूम में, मतलब पारा पारी, मैंने बाहर रूम को अच्छे से हमने सब में झाला झाड़ दिया। तो ऐसे तो हम हमेशा झाड़ू भी जैसे देती रहती हूँ, तो जहाँ तक हमारा हाथ जाता है वहाँ तक मैं अपना बिल्कुल वो मकड़ी झाला में नहीं लगने देती हूँ, हमेशा का हमारा यही काम है। तो फिर आले तो ऊंचा तो काफी, तो हाथ वहां तक नहीं पहुंचे, तो इसलिए हमने हमारा ये भी थोड़ा सा खराब हो चुका है, मंगाना फिर अभी नहीं मंगाएंगे, इस महीने बाद ही मंगाया जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं अच्छे से झाला निकाली। तो ये तो मौसम दिन निकलता है तो भी झाड़ सकते, लेकिन फिर चिड़िया रानी आ जाती है तो वो डर जाती है। तो उसी के वजह से हमने बोले कि लाओ सवेरे पहले यही सबसे पहले काम कर लेते हैं, झाला निकाल लेते हैं, क्योंकि वो आ जाती है तो बॉक्स टाइप का बना होता है तो उस पर बैठती है। तो फिर मैं छत पे चली जाती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो ये देखिए हमारा भी घर का स्थिति देख लीजिए कैसा है, मैं दिखाते हैं आपको। ये देखिए सारे रूम को दिखा देती हूँ। ये देखिए जैसे तैसे सब टिका हुआ है, सारे रूम, ये नहीं कि एक रूम, सारा रूम। तो ये देखिए जैसे तैसे कैसे इधर लगता हुआ चादर, सब को उठा कर जितना है, पेटी का कवर, ये पर्दा जो भी लगा है सारा धोना है हमको। चलिए फटाफट कर लेते हैं, फिर आपको अच्छे से रूम के लिए अच्छे से पूरे साफ कर देंगे, सारा रूम एकदम चकाचक कर देंगे, तो फिर आपको दिखाएंगे अपना रूम। तो चलिए फिलहाल तो जल्दी जल्दी साफ कर लेते हैं, क्योंकि साफ करने में तो काफी टाइम लगेगा। फिर आज बाल धो के नहाना भी है तो हमें मिट्टी भी, चलिए मैं आपको दिखाया देती हूँ। सुबह का काम तो आपने देख ही लिया, और जो प्रॉब्लम थी वो तो क्या कहूँ मैं आपसे, आपको तो मैं बाद में दिखाऊंगी वो। तो देख लीजिए इधर कपड़ा भी रखा हुआ झूठी, तो फिलहाल ये मिट्टी है, और मिट्टी को ये देखिए जग में हमने डाल दिया फूलने के लिए, हो तो जाएगा। सस्ता नहीं है जल्दी, अभी गंगे जी में पानी भी बहुत है, मिट्टी मिलेगा भी नहीं। तो ये देखिए इतनी तो फिलहाल हमने डाल दिया है, थोड़ा सा रहने देते हैं क्योंकि काफी बाल इसे अच्छे हो जाते हैं धोने से। तो ये देखिए पानी में हमने डाल दिया फूलने के लिए, जब तक अच्छे से फूल जाएंगे, ताजी से बाल धो के नहाना है।
चलिए कर लेते, फिर मैं अपना अपना रूम सारा दिखाऊंगी। फिलहाल तो सुबह का आपने देख ही लिया, सारा घर में झाड़ लिया था, झाला लगा हुआ था, बस ये रूम आके अभी झाड़ना। तो कोई रहता तो ना पकड़ता कुर्सी, तो मैं पंखा पोछ लेती, वरना कोई नहीं है, कहीं गिरी तो सीधा नीचे आ गए, इसलिए चलिए पंखा रहने देते। फिलहाल तो झाला झाल देते, और ये गोदरेज पे देखिए ये हमने कपड़ा बिछाया हुआ, इसको भी निकाल के सबको धो देते। तो चलिए जल्दी जल्दी करे, तो उसके बाद अपने रूम को मैं दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, जो हमने चादर मतलब मंगवाया था ना ऑनलाइन, तो ये देखिए अच्छा लग रहा है ना। फिलहाल इस बेड का नहीं, दूसरा बेड का, वैसे वैसे ही हम डाल दिए थे अभी। इसका कवर तो अभी गद्दा का सूखा नहीं है, छत पे भी सूख जाएगा, तो ये चादर दूसरे बेड पे डाल दूंगी। फिर भाई ऐसे डाल दिया कि थोड़ा अच्छा लग रहा था। ये देखिए बस थोड़ा सा छोटा है साइड से, ये बेड का नहीं है, हल्का ये इस तरफ से छोटा थोड़ा सा, मतलब गद्दा के कैसे ये देखिए है ना, बस थोड़ा सा और रहते तो अच्छे से गद्दा के अंदर नहीं, मान लीजिए आप अंदर से दबा के नहीं रखिएगा तो फिर ऊपर से बैठने से घिसक जाता है। तो ये देखिए अच्छा लग रहा है ना। तो फिलहाल तो ये चादर बिछेगी, इसका कवर हमने ये देखिए अभी नहीं उठा रहे हैं कि अभी छत पर से वो उसका गद्दा का कवर लाएंगे, तो यही वाला, ये वाला चादर जो रक्षाबंधन पे हम इस पर डाले थे ना, वही चादर डाले, कितना अच्छा लग रहा है। तो देख लीजिए हमारा रूम फिलहाल तो हमने सारा साफ सुथरा कर दिया है। ये देखिए कुछ ऐसा है, इधर से ऐसा है, ये देखिए वहाँ पूरा अलमारी अभी हमको साफ करना है, काफ़ी थक गए फ्रेंड, बहुत थक गए। अभी सारा कपड़ा धो के, इतना कपड़ा था, बस ये रूम का भी नहीं बिछाया, वही चादर इसमें जो मिकी माउस वाला है ना इसी में डालेंगे, वो वाला जो नहीं डाले। ये भी रूम का हम ठीक कर दिए बिस्तर, ये देखिए और तो पेटी का, और जो कपड़ा भी थोड़ा सा लाए वो फोल्ड करके रख दिए। फिलहाल अभी खाना भी नहीं खाए, 2 बजने को आया है तभी खाना नहीं खाया, जा रहे खाना निकालने, तो जा रहे खाना निकालने, चलते हैं खाने। सब्जी रोटी बनाई हो तो हम बता ही चुके हैं, पतिदेव जी सलाद काट रहे हैं, तो चलिए जल्दी जल्दी निकाल देते। मौसम देखिए, फिर कपड़ा आधा सूख गया है, अभी ऐसे ही रहता तो नहीं सूखता, मशीन में डाल। और ये हमारा पत्ता देखिए, हमको इतना खाने का मन था, क्या कर इतना ना काम किए, थक गए, हमको बहुत खाने का मन था। ये देखिए ये क्या कोहरा वाला पत्ता है, तो ये कोहरा का पत्ता, इसकी सब्जी भी बनती है। तो फिलहाल तो सब्जी नहीं बनाएंगे, बस चटनी बनाएंगे, अभी तो बिल्कुल इच्छा नहीं कर, देखते कि हो जाता है तो ठीक है बना लेते, क्योंकि अच्छे से इसको पानी से हम धो लिए हैं और जाते हैं इसको कढ़ाई में भूनना है। हमारा खाना रोटी सब्जी अचार, हरी मिर्च है, मिर्च नींबू वाला सलाद है, तो चलिए खा लेते हैं भाई, खा लेते, बहुत तेज भूख लगी, सुबह से अभी तक हम खाए नहीं, बस वही 2 बिस्किट खा के गर्म पानी पिए थे बस, ऐसा मूवी वूवी देख लेते हैं, सुबह से काम में व्यस्त हैं। तो चलिए खा लेते हैं, बच्चा पार्टी आता है तो मिलाते हैं। तो फ्रेंड्स सारा दिन का काम आप तो देख ही लिए, कितना सारा काम था, इतना काम हो गया, हम 2 बजे खाए, 2 से मतलब वही 2 से पहले ही खा लिए थे, टाइम था 20 मिनट जो 15 मिनट रहे, इतनी थक गई थी, इतनी थक गई थी, हालत हमारी दम खराब हो गई थी, शाम तक हम सोए रहे, इतना बदन हाथ में दर्द। तो फिर उसके बाद ग्लूकोन डी पिए गिलास, फिर और कौन सा दी पानी घोर के ORS पिए, तो फिर जाके थोड़ी, फिर भी हाँ बहुत सब जगह इस समय दर्द हो रहा है, जहाँ जहाँ ज्वाइंट है ना हड्डी का उसमें। तो क्या हमारा तो आज काम देख ही लिए और हमारा हालत देखी, फिलहाल हम तो सिंदूर करके देखिए कितना अच्छा लग रहा है, माना ऐसा चेहरा कैसा लगता है। हाँ तो उसमें बता रहे थे कि मतलब ऐसे हुआ, वहाँ चूहा फंस गया था उसके ऊपर कोना में जो है ना, और ऐसे पूरी तरीके से फंसे, तो हम सोचे कि उसमें से वो निकला होगा, उसका पीठ पूरा मुंह निकल गया, खाली पैर फंसा, हम सोचे कि कुछ पकड़ा हुआ, मतलब सांप का सोचे कि पकड़ा हुआ, हम लोग ऊपर गए उधर गए कि मतलब होगा कहीं उसका बड़ा सा होगा वो पकड़ा, बेचारा का कुछ नहीं, बराद हो रहा ऐसे उल्टा लटका हुआ था पूरा, उसका मुंह नीचे और उसका सिर्फ ऊपर का मतलब नीचे का धड़ उसका अंदर फंसा हुआ था। तो फिर छोटा वाला नीचे उस पर पेटी पे चढ़ के और उसको रात को भी किए, तो हम सोचे कि नहीं रात को कुछ होगा तो कहीं काट ना लग ले रहने दीजिए। तो फिर आज सुबह फिर खंती लेके वहाँ तक, वो देखिए छोटा सा होल है, फिर नीचे ऐसे से खंदा और उसको यहाँ टब लगाए थे बड़ा सा, तो उसमें गिरा, लेकिन बेचारा का एक पैर है ना
टूट गया घूम के, हमको बहुत माया लगा रात भर उसको, इसी के कारण हम रात भर कल सो ही नहीं, बिल्कुल नहीं सो, बहुत उसको देख के हमको बहुत अजीब लगा कि जीवन का इसको कष्ट हो गया बेचारे को, वो चल नहीं पाएगा ठीक से, तो उसको इतनी मोटी थी चूहा, तो उसके बाद उसको टब में निकाल के और जो नदी पे है ना वहीं पे जाकर डाला है, नहीं तो बोला कि चल नहीं पा था, वैसे ही झाड़ी में साइड में बैठ गया। तो खैर जो भी काम किए हमारा वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए बोलते बोलते इसकी मिस्टेक हो जाता है ना, तो आप अपनी हंसी यूँ ही बनाए रखिएगा, खुश रहिए, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। अब हम भी जा रहे बर्तन धोने में फिलहाल, तो रात का टाइम हो चुका है, और रात को हम खाना बनाए थे नहीं, वही मतलब जो फैम जो आलू सोयाबीन की सब्जी बनाई थी ना वही बच गया था, बस सत्तू पराठा इस समय बना है, और जो कोहरे का पत्ता हमने दिखाया ना उसकी चटनी बनाई है, और चटनी हम नहीं पीसे थे, निखिल को हम भून उनको देने के तुम पीस दो, वो पानी डाल दिया और बिना पानी का पिसा था, स्वाद उतर गया, क्योंकि खा लिए हमें बहुत अच्छा लगता है, मेरे सासू अम्मा थी ना वो दे वही सब बना के खिलाती थी, अच्छी सब्जी भी बनती पत्ती की काफ़ी अच्छी, कभी आ जाए बेचान तो मैं आपको बना के दिखाऊंगी, फिलहाल तो अब उतना नहीं मिलता है, तो पहले गाँव में सब लोग भूनते थे, अब उतना नहीं मिलता है, तो चलिए बाय।